आई थिंक मैं बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा. उनकी सबसे पहले 33 ईयर्स हो गए हैं, एनुअल सेलिब्रेशन है. उन्होंने कुणाल और मेरे बारे में सोचा. आई थिंक क्योंकि हम अग्री करते हैं, सब अग्री करते हैं कि हम सब की ज़रूरत है ग्लोबल वार्मिंग से अगर हमें बैटल करना है. और वो हमारी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत से हम कोशिश करते थे. मेरे अब्बा हमेशा अपने दरवाजे पर वो येलो पोस्ट इट नोट्स छोड़ते थे कि टर्न द लाइट्स ऑफ. तो वो हमारी सोच है बरसों से. तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स समथिंग वी अग्री विद. जी हाँ, जो डिज़ाइनर है एमी बिलोमोरिया वो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हैं और वो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स कर चुकी हैं. और बच्चों के बहुत सारे आइडियाज़ थे कि वो क्या क्या करना चाहते थे कुणाल के कॉस्ट्यूम के साथ और मेरे साथ. एंड विथ माई जैकेट दे हैव डन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, जैसे कि कुशन कवर्स जब पुराने हो जाते हैं या बटन्स जो गिर जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, दे हैव यूज्ड ऑल ऑफ दैट टू क्रिएट दिस. ऑल ऑफ इट इज़ रिसाइकल्ड, ऑल ऑफ इट इज़ रीयूज्ड. देखिए, मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ जो घर पे जो कर सकते हैं कि जो एक एसी जो हम चलाते हैं उसे 23 पे रखें. मुझे कहा गया कि दैट इज़ दी ऐप टेम्परेचर टू कीप इट एट, उस पे रखें. या जब कमरे में नहीं है तो लाइट्स ऑफ करें. इवन व्हेन यू आर इन द बाथरूम शेविंग और ब्रशिंग, मेक श्योर दैट यू काइंड ऑफ कंजर्व वाटर एज मच एज यू कैन. प्लांटिंग ट्रीज, अब बॉम्बे में तो खैर जगह बची नहीं ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने के लिए, लेकिन जब भी मौका मिले प्लांट ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोसिस्टम. और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ जो जिन जगहों पे आप नज़दीक हैं चल के जा सकते हैं, मैं अभी भी कभी कभी ऑटो लेके चला जाता हूँ, दो लोग चले जाते हैं. यू नो, सेव ऑन फ्यूल.